चलेगी, नहीं चलेगी, सरकारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अविलंब समय कार। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ कुमार। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू जिले के झाझा रेफरल अस्पताल में कुछ स्वास्थ्य कर्मियों ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि वैक्सीनेशन कार्य में लगाए गए स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन भुगतान नहीं होने से विगत 4 माह का वेतन जो है वो पेंडिंग कर दिया गया है। और छात्र नेता सूरज बनवाल और केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के सचिव बबलू सिन्हा के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल परिसर में जमकर बवाल काटा है। बता दें कि जो स्वास्थ्यकर्मी वैक्सीनेशन कार्य में तत्परता से लगे हुए थे, उन्हीं लोगों का वेतन भुगतान नहीं होने से वो लोग आज पेट काटकर जीने को मजबूर है। फलस्वरूप जब हमारी प्रबंधक से बातचीत हुई तो प्रबंधक गजेंद्र कुमार ने साफ तौर पर कहा कि पदाधिकारियों से बातचीत कर ली गई है और जल्द से जल्द इस मामले का निराकरण कर लिया जाएगा। आंदोलन कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि हमारे आंदोलन के बाद वेतन भुगतान तो हो सकता है, लेकिन शायद हमें इस बहाली से हटा दिया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और बबलू सिन्हा ने साफ तौर पर यह भी आश्वासन दे दिया कि यदि इस तरह का मामला संज्ञान में आता है और किसी भी स्वास्थ्य कर्मियों को उनके बहाली से हटाया जाता है तो संभवतः बहुत बड़े आंदोलन का आगाज हो सकता है और ये लोग सभी मिलकर सदर अस्पताल पर जमकर धरना प्रदर्शन भी करने के लिए तैयार है। देखिये हमारी इस खास रिपोर्ट में कि क्या कुछ बातें निकल कर आई है जब अस्पताल परिसर में नेशन न्यूज की टीम पहुंची। क्या नाम है आपका? सुमन कुमारी। क्या दिक्कतें आ रही है? पेमेंट नहीं मिल रहा है। किस चीज का पेमेंट? एनम वैक्सीनेशन का। हाँ, वैक्सीनेशन का। कितने मंथ से नहीं मिला पेमेंट? 3 मंथ से। कोई आश्वासन, किस तरह का कोई बातचीत हुआ है? पता नहीं बोल रहा है, फंड में पैसे नहीं आए हुए, जब आएगा तो मिलेगा। क्या बोले? लूसी कुमारी। क्या दिक्कतें हो रही है? पेमेंट नहीं मिला है 3 महीने से। कहाँ घर है आपका? मानिकपुर लखीसराय। आप प्रतिदिन वहाँ से आ रही है? नहीं, यहाँ डेरा लेके रहे हैं। मतलब डेरा लेके रह रही है और फिर भी पेमेंट नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। पेमेंट हो रहा है? 13,500 का, 450 पर डे का। 450 पर डे का। हाँ। कितने दिनों से पेंडिंग है? 3 महीने से। क्या कह रहे हैं अधिकारी? क्या कह रहे हैं? बोल रहा था कि अभी अथी में नहीं आया है पैसे, फंड में पैसे नहीं आया। कितने दिनों से आप लोग बार बार अपील कर रही है? 2 दिन, 1 महीने से कर रहे हैं। 1 महीने से लगातार बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहे हैं, कोई अनुशासन नहीं है। अंजू कुमारी। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? हम लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। हम लोग एएनएम है, पटना से आए हैं। पटना से आई है? पटना से रहती है क्या? यहाँ रूम लेकर आ रहे हैं। हम लोग को पेमेंट नहीं दे रहा है। जब न तब यहाँ का प्रभारी सब बोलते हैं कि जो सब यहाँ का स्टाफ बोल रहा है कि जब पैसा होगा, जब आएगा फंड में तब देंगे। किस चीज के लिए ड्यूटी में लगाया गया था? कोरोना वैक्सीन के लिए। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पेमेंट ड्यू सर? हाँ, पेमेंट ड्यू है। देखिए हर्ष जी, बिहार सरकार के द्वारा तरह तरह के योजनाओं के तहत स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो और सारे विभाग, पॉलिटेक्निक विभाग हो, बिहार सरकार की ये मंशा रहती है कि बिहार में जितने भी बेरोजगार भाई बहनों हैं उनको कोई न कोई विधि सेट किया जाए। लेकिन यहाँ के लचर व्यवस्था और अफसर की मनमानी और तानसाई के वजह से ये योजना धरातल पर नहीं उतर पाती है, जिसका ये आज भुगतना पड़ रहा है। चूंकि ये लोग 3-4 महीना से खट रहे हैं, बहुत दिन से खट रहे हैं, 3-4 महीना से पेमेंट नहीं हुआ। और लोग यहाँ से ही नहीं, जमुई से, मननपुर से, लखीसराय, आप उसको गया, पटना, अरवल, सासाराम, शिवहर, तमाम जगह से, बिहार के कोने कोने से आके यहाँ पर नित्य दिन कॉन्टेक्ट बेसिस हो या जैसे भी है, लोग मेहनत कर रहे हैं। इनकी भी महिनवारी चलना चाहिए। ये भी राशन पानी खाते हैं, 3-4 महीना से इनको पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। ऑफिसर से बात होती है तो बोलते हैं 2 दिन में मिल जाएगा, 4 दिन में मिल जाएगा, कोई तय सीमा समय। अपने स्तर से आप और सूरज जी मौजूद है, क्या किए बबलू जी, क्या करें? हम लोग सारे पदाधिकारी से बात कर रहे हैं कि इनकी अविलंब समस्या दूर हो और इनको जल्द से जल्द पेमेंट दिया जाए और जो है इसके साथ दोहरी नीति नहीं अपनावे। ये लोग आंदोलन किया तो कल जेलस की भावना से ये लोग को निकाल न दे और इनके साथ कोई गलत मंसूबा ना हो इसके साथ, नहीं तो इसके साथ हम लोग शुरू से अंत तक आंदोलन हुआ तो कल पैसा देके उसको डीडी पाव करवा के तीसरे आदमी को ले आवे, ये भी होगा तो देखिए। जितने भी महिलाएं हैं और जितने भी छात्र हैं, ये सभी लोग कोरोना वैक्सीनेशन के लिए, कोरोना वैक्सीनेशन में अपनी पूरी तन्मयता से लगे हुए थे, परंतु इन सबों का पेमेंट रोक दिया गया है। लगभग 3 से 4 महीने का पेमेंट रोक दिया गया है। यह दुर्भाग्य है स्वास्थ्य विभाग का और सदर अस्पताल जमुई का। पदाधिकारी से बात हुई, उन लोगों ने आंदोलन के उपरांत आश्वासन दिया, चूँकि इससे पहले वो लोग बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे। जब मैं यहाँ पर आया, आंदोलन किया,
तब वो लोग बात किए और यहाँ पर उपस्थित होकर के मेरे साथ जमीन पर बैठे। उसके बाद कहे कि चिंता मत करिए, एक सप्ताह के अंदर आप लोगों को सूचना दे दिया जाएगा और दूसरे सप्ताह में सभी का पेमेंट भुगतान कर दिया जाएगा। कि अभी हम लोग जब धरना पर बैठे थे तो कुछ अपने धरना में बैठे साथी यह बोल रहे हैं कि कुछ लोगों को पेमेंट कर दिया गया। यह सदर अस्पताल की जो दोहरी नीति है यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं यह कान खोल करके सुन ले या मैं बता देना चाहता हूँ।